मेरा हॉर्न काम नहीं कर काम करना बंद हो गया था, तो आप लोग भी यही फॉलो कर सकते हैं, चाहे एक्टिवा हो या नहीं कोई बाइक हो, पल्सर कोई भी बाइक हो, सेम प्रोसीजर है, बैटरी का टर्मिनल क्लीन करो और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है चेक करो, और अगर आपका साउंड कोई थोड़ा डिफरेंट आ रहा तो यहाँ पे घुमा के आप साउंड शार्प या डैम्प कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा सभी वीडियोस आपको डायरेक्टली पहुंच जाएगा, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। मैंने देखा कि मेरा हॉर्न काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बैटरी का है नहीं तो क्या कुछ सर्किट का प्रॉब्लम है, काम नहीं कर रहा है हॉर्न। तो मैंने पहला सोचा था कि बैटरी थोड़ा डाउन होगा, पर गाड़ी तो स्टार्ट हो रहा है, सेल्फ स्टार्ट में स्टार्ट हो रहा है, तो बैटरी एकदम पीक वर्क कर रहा है, तो मेरे ख्याल से हॉर्न में कोई गड़बड़ है। हॉर्न निकाल के देखेंगे क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। तो पहले हॉर्न निकालने के लिए आपको यह हुड निकालना पड़ेगा आगे का, और यह निकालने के लिए यहाँ इसके अंदर एक स्क्रू है और इसके अंदर भी एक स्क्रू है, और ये पीछे एक स्क्रू है, यहाँ पे भी पीछे एक स्क्रू है, वो निकाल लो तो आप आराम से बाहर आ जाएगा। मैं पहले ही निकाल दिया हूँ स्क्रू। तो आर्टिया में हॉर्न यहाँ पे रहता है और बाइक का तो नीचे इंजन के वो सामने रहता है, तो आपको क्या करना है कि स्क्रू पीछे स्क्रू है थोड़ा ऐसा आगे करके पाने की मदद से स्क्रू निकाल देना है। और मेरे पास है ये 11 नंबर का पाना है, तो इससे अपन आराम से निकल सकते हैं। यहाँ मैंने ये हॉर्न निकाल दिया इसमें से, और मैंने देखा कि सर्क्यूट एकदम बराबर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सोचा था कि यहाँ पे कुछ ऐसा कट हो जाए तो हॉर्न काम करना बंद हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि हॉर्न का आवाज़ बराबर नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे ट्यून कर सकते हैं इसमें, ये स्क्रू आगे पीछे करके। तो हॉर्न का साउंड आप चेंज करना है तो शार्प या डैम्प करना है तो यहाँ पे स्क्रू ऐसा घुमा के कर सकते हैं, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। शायद यहीं पे ही होगा मेरा कुछ प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम है। तो मैंने पहले यहाँ पे पूरा बैटरी क्लीन कर दिया था, तो आप लोगों भी ऐसा आपको भी ऐसा हॉर्न का कोई प्रॉब्लम हो तो, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो तो बैटरी का या टर्मिनल पूरा क्लीन कर दो, कोई रस्ट आ गया तो पूरा ब्राउनिश कलर आप देख सकते हैं, पूरा क्लीन कर दो और थोड़ा ग्रीस भी लगा दो। इससे क्या होता है कि रस्ट नहीं लगेगा इस पर, तो इस पर हम हॉर्न का साउंड शार्प करते हैं, देखते हैं कि अब आता है कि नहीं। तो स्क्रू ड्राइवर निकालना है आप, और आपको आपके हिसाब से जो साउंड चाहिए उस साउंड में ऐसा घुमा के आप देख सकते हैं। अब मैं हॉर्न मार के देखता हूँ काम करता है कि नहीं। मैंने पहले सोचा था कि यहाँ पे बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है टर्मिनल में, इसलिए मैं पूरा क्लीन कर दिया, तो आप कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पहले थोड़ा करंट पास होने के लिए थोड़ा दिक्कत था, लो करंट जा रहा था क्योंकि पूरा रस्ट हो गया था यहाँ पे, तो मैंने क्लीन कर दिया। मेरे ख्याल से यही वजह है कि मेरा हॉर्न काम करना बंद हो गया था। तो आप लोग भी यही फॉलो कर सकते हैं, चाहे एक्टिवा हो या नहीं कोई बाइक हो, पल्सर कोई भी बाइक हो, सेम प्रोसीजर है, बैटरी का टर्मिनल क्लीन करो और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है चेक करो, और अगर आपको साउंड कोई थोड़ा डिफरेंट आ रहा तो यहाँ पे घुमा के आप साउंड शार्प या डैम्प कर सकते हैं। तो मैं आपको साउंड आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखा साउंड ऐसा शार्प आ रहा है। इससे पहले थोड़ा डैम था, अब थोड़ा शार्प है, थोड़ा कम करना है साउंड, इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो ऐसा ही आप आगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये घुमा के आपका जो साउंड आपको चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो मैं स्टॉक पे लगा देता हूँ,
तो गाइस ये था आज का वीडियो, आप अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक दे देना ना भूलिएगा आप, और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा। और आपको किसी प्रकार का सजेशन है और या कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपके आपको मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई पढ़ूंगा, ज़रूर पढ़ूंगा। तो गाइस बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।